खबरदार ये गलती हरगिज मत करना, वरना सहाफी इमरान रियाज ने हुकूमत को तंबीह कर दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज खान ने कहा कि पहले इमरान खान के पास सिर्फ अपनी मकबूलियत थी, लेकिन अब उनके पास एक कार्ड और है, और वो है लोग हुक्मरानों से नफरत कर रहे हैं। मुल्क में जिस तरह महंगाई का तूफान है, बिजली के बिलों की भरमार है, सरमायाकार भाग रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है, डॉलर फिर बेकाबू हो चुका, अवाम की नफरत रोज बरोज बढ़ रही है। ऐसे में नवाज शरीफ काफी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, और इसी वजह से लोगों की नफरत में इजाफा हो रहा है। इमरान रियाज खान ने कहा कि सब चीजें अपनी जगह, चाहे इसका फायदा इमरान खान को हो रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसका नुकसान पाकिस्तान को है। हुकूमत कर्ज लेती रही तो एक साल में हम लगभग 26,000 अरब कर्ज ले चुके होंगे। हम इतने कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएंगे। पीपल्स पार्टी इस निकम्मी गवर्नमेंट का बोझ उठाने से कतरा रही है। तहरीके इंसाफ का जलसा तय करेगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। सहाफी इमरान रियाज खान ने हुकूमत को खबरदार किया कि अब सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है, देखना ये है कि नून लीग एक दफा फिर गलती करती है या नहीं। अगर मार कुटाई हुई तो ये चीजें तहरीके इंसाफ के हक में जाएंगी, ये आलमी खबर बनेगी जिसका फायदा मुकम्मल तौर पर तहरीके इंसाफ को होगा। माजी में भी नून लीग की सियासी समझ बूझ और अकल तहरीके इंसाफ को फायदा देती रही है। अगर हुकूमत तहरीके इंसाफ के लोगों को स्वाभी जाने देती है तो फिर तहरीके इंसाफ यहाँ तो बड़ा जलसा कर लेगी, लेकिन इस्लामाबाद में इससे बड़ा जलसा चैलेंज से कम ना होगा। अगर हुकूमत गलती करती है तो तहरीके इंसाफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे।